अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज सैरी से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग को। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और अभी बस आलू, आज सालन नहीं था, रात में चावल बनाए थे तो इसलिए बस ना आलू की भुजिया बनाऊंगी, फटाफट दम वाले आलू बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी सब लोग सो रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, इनको छीलती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। तो चले जी सैरी में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आलूओं को पील कर लेना, जल्दी जल्दी इनको छील लो, और बहुत ही इजी है। और हमारे घर में ना आलू सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, खसूसी सबको इतने पसंद है आलू कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कुछ नहीं होगा तो वह कहेंगे आलू की चिप्स बना दो, और यूसुफ जो है ना वो तो आलू की चिप्स के साथ ना रोटी भी खा लेते हैं, मतलब अगर दही है साथ में आलू के चिप्स के तो वो बस उसी के साथ जो है ना रोटी छोटी भी खा लेते हैं इसी से। और अलार्म चल गया 3:15 का, तो मैं बंद करके, तो यहाँ पर आलू जो है अच्छे से छिल गए हैं बस। तो बस इनको छील के वॉश करके इनको बारीक बारीक काटूंगी और इनको पैन में ही बना लूंगी जल्दी जल्दी। बस दो आलू इनफ है क्योंकि हम तीन बंदे हैं, मैं यूसुफ और पप्पा, तो इसके लिए बस दो आलू बहुत है, मैं इनको काट लूँ। तो ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें जो है मैं फटाफट से जाना ये दोनों आलू काट लेती हूँ, बारीक बारीक काटूंगी ताकि जल्दी से जो है ना गल जाए, जितना बारीक होंगे तो उतनी ही जल्दी पकेंगे। टाइम भी कम होता है सहरी में, तो बस जल्दी जल्दी इसका ना बारीक बारीक काट लूँ। पहले मैंने सोचा था मैं रात में बना कर रख लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार आप लोगों के साथ सुबह सहरी का ब्लॉग भी शेयर करना है तो इसलिए सुबह ही बनाऊंगी, तो इसलिए आज मैं जल्दी उठी थी। वैसे 3:15 का अलार्म लगाया हुआ है, 3:15 बजे उठती हूँ, उठ के तो फिर सहरी वगैरह बनाकर फिर 4:15 बजे तक ना मैं तहज्जुद पढ़ के फिर उसके बाद सहरी करती हूँ। तो फिर आज अब ये बनाने थे इसलिए फिर हम 3 बजे ही उठ गए। मैंने कहा 3 बजे जल्दी जल्दी 15 मिनट में ये बन जाएंगे, फिर बाकी जो है रोटियाँ वगैरह बनाकर तो फिर सारा कुछ साफ साफ कर लूँगी, तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। हम सब अभी सो रहे हैं, मेरा भी सो रही है, मेरा की तबीयत भी कुछ खराब है, आप लोग दुआ करना जो ठीक हो जाए, उसके मोशन ही नहीं ठीक हो रहे, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। तो बस फिर पप्पो को उठाती हूँ, तो आलू बस ऐसे सारे काट लेने हैं। पर सारे के सारे आलू काट चुके हैं, बस मैं इनको वॉश करूँगी अच्छे से फिर आके पकाती। आलू वॉश हो चुके हैं, अब बस इसको फ्लेम ऑन करना है, चूल्हे पे रखा है, फ्लेम ऑन करती हूँ। और यहाँ पे आलू में ना बिल्कुल थोड़ा सा, ये पूरा ग्लास है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये इतना सा बस, 2 सिप के अकॉर्डिंग बराबर ना आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है, बस इसको ना पकने देना है, बाकी की चीज़ें इसमें अब डालनी है। और यहाँ पर फिर से मैं एक टमाटर छोटा सा और साथ में 2 हरी मिर्चें लाई हूँ, इनको वॉश करके बारीक बारीक काट के इनको भी अंदर ही डाल देना है एक साथ ही। और यहाँ पर जो है ना मैंने टमाटर और हरी मिर्चें ऐसे बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दी हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा मिर्चें नमक नहीं डालना, बिल्कुल लाइट लाइट। अगर आप लोग तेज़ मसाले डालते हैं तो तेज़ डालें, वरना मैं तो बिल्कुल लाइट से डालती हूँ, तो बिल्कुल लाइट लाइट। तो ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं, अब इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से ऐसे, और पानी देखें बिल्कुल थोड़ा सा, और अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है, ठीक है? अब ऑयल डालें इसके अंदर। यार अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया करें, कमेंट्स में बताया करें आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, इजी इजी सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैं लाती हूँ, टिपिकल सी आप लोगों को अच्छी लगती हैं कि नहीं, सब कुछ मुझे रहना कमेंट्स में बताया करें, मुझे लाइक किया करें अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो। बस ये देखें, और देखें कितनी जल्दी जल्दी पानी में ना ये टमाटर जो है ना गल गया है, ये देखें ना मैश हो रहे हैं, बारीक बारीक इसीलिए काटें कि सब कुछ जो है ना जल्दी से। अब इसके अंदर ऑयल डालती हूँ और इनको अच्छे से फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल, जो ऑयल डाल के ना इसको अच्छे से आप लोगों ने ना फ्राई कर लेना है, मतलब भून लेना आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। और इस स्टेज पे आपने इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल देना ताकि जीरा भी साथ में फ्राई हो जाए। और यार इतने मज़े के आलू बनते हैं ना, जीरे वाले और टमाटर वाले, तो मैं कहती हूँ जो एक दफ़ा खाएं ना वो पागल हो जाए, रोज़ खाने का दिल करता है, क्योंकि उसकी पराठे के साथ सहरी में वाह क्या इसका मज़ा है, बहुत ही ज़्यादा मज़े। फिर मेरे भाई को भी इतने ही आलू पसंद है कि आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये देखें, ये सबसे अच्छी बात, आलू भी गल चुके हैं, ये देखें कितनी जल्दी से, ये देखें देख रहे हैं चम्मच से कितने खाने से टूट रहे हैं ये, तो आलू भी जो है ना फटाफट फ्राई होते हैं जल जाते हैं ये। अब इसके अंदर थोड़ा सा जीरा ऐड करना है और थोड़ा सा कुटा हुआ जो है ना सूखा धनिया भी, ये जी इसकी आवाज चेक करें फ्राई होने की, और इसके अंदर मैंने जीरा थोड़ा सा कुटा हुआ जो है ना वो धनिया भी डाल दिया, बस इसको मिक्स करना और इसको दम पे रख देना, तो आपके मज़ेदार से आलू रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर जी मैंने दम पे रख दिए हैं, ये देखें ऐसे, बस इसको दम पे, जब तक ये 2-3 मिनट दम पे आता है तब तक मैं आटा शाटा ले आई हूँ, तो मैं बस सब रोटियाँ बनाऊँ तो फिर बस सैडी लगाती हूँ।
और यहाँ पर जो है ना पराठे रेडी हो चुके हैं, रोटियाँ बन गई हैं, पराठे रेडी हो चुके हैं और अब बस चाय रखी हुई है, चाय भी हो गई है बस, और आलू भी बिल्कुल रेडी हैं जी, ये देखें जी बिल्कुल, बस बस अब डालते हैं और फिर सहरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो अभी जी है अफ्तारी का टाइम, तो अब अफ्तारी बनाने लगी थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आज अफ्तारी में क्या बना रही हूँ। सहरी का व्लॉग भी एडिट कर लिया है तो बस अब अफ्तारी का करूँगी और फिर इंशाल्लाह इसको कल सुबह सुबह अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए चलें जी अफ्तारी में आज क्या क्या बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज बहुत मज़े की अफ्तारी बनने वाली है क्योंकि फाइनली शुक्र है भाभी लोग भी आ गए हैं उमरा करके, तो अम्मी भी घर आ गई हैं आज, तो बस इसलिए आज अफ्तारी बना रही हूँ अम्मी के आने की वजह से, कुछ थोड़ी सी स्पेशल उनकी फेवरेट चीज़ें। तो चलें जी देखती हैं क्या बनाती हूँ। तो ये है जी बैंगन, तो आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ बैंगन के पकोड़े क्योंकि अम्मी को बैंगन बहुत अच्छा लगता है, बैंगन के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आज बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ। उसके बाद जी आलू अभी मैं पील कर रही थी तो आलू के पकोड़े बनाऊंगी, और हांडी में जी आज हम पका रहे हैं कद्दू, और साथ में बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पर ये मिर्चों के पकौड़े। तो ये मिर्चों को मैंने ना, ये जो मोटी मोटी मिर्ची होती है ना बड़ी बड़ी, इनको मैंने ऐसे कट लगा के इनमें नमक भर कर ना तो इनको रख दिया है। अब नमक ये सारा पानी शानी इसका निकल जाएगा, कड़वाहट निकल जाएगी, फिर इसके पकोड़े बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अम्मी को ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए यहाँ पे हरी मिर्चों के पकौड़े बन रहे हैं, बैंगन के पकौड़े, और साथ में बना रही हूँ जी ये चना चाट लोबिया चने। तो ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा लोबिया बनाए थे, तो ये लोबिया बच गया था, मैंने फ्रीज कर दिया ज़्यादा था, तभी ये निकाल के लाई हूँ कि ये खुल जाए। उसके बाद ये चने हैं ये भी निकाल के लाई हूँ फ्रीज हुए में थे, ये इनकी भी फ्रीज खुले, तो फिर आज लोबिया चने बना रही हूँ साथ में। तो ये आलू जो है बॉयलने के लिए रख दिए हैं, तो बस आज ये अफ्तारी बना रही हूँ, फिर बाकी बनाते बनाते आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने ये आलू और बैंगन ये देखें शेप के काट लिए हैं पकौड़ों के लिए, ये आलू भी, और अब इनको वॉश करके पानी में डिप कर दूँगी कि ये काले ना हो। और पानी में आज है वो मैं टैंक बना रही हूँ, वो भी पाइन एप्पल फ्लेवर में क्योंकि मुझे पाइन एप्पल फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी सी चीनी डाली है मिक्स करके टैंक बना रही हूँ। और यहाँ पर जी ये चाट रेडी हो चुकी है, आलू बॉयल होकर डाल दिए हैं, बस इसमें अब मसाला डालना है, बाकी सब कुछ डाल दिया है। ये जी प्याज टमाटर हरी मिर्चें और क्या उसको बोलते हैं चने और लोबिया भी आलू भी, और ये अभी मैंने ऐसे रखे हैं, इसका भी पानी निकल जाएगा, देखें इतने नरम हो गए हैं, पानी निकल रहा है ना ये देखें, फिर अभी सारा पानी निकलेगा, फिर इनको वॉश करके फिर इनको फ्राई करूँगी। उसके बाद ये जी ये मैंने धो के तो इस तरह स्ट्रेन करने के लिए रख लिया कि इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पर जी आज चाट हो गया रेडी, और आज चाट में जो है ना मैंने इमली बहुत थोड़ी डाली है और नींबू ज़्यादा डाले, मतलब आज दो नींबू निचोड़े हैं ताकि उससे खटास हो मज़े की बने। तो ये चाट बस बिल्कुल रेडी हो गया मिक्स करने की, जैसे चाट मैं सामने मिक्स करूँ आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये जी हमारी लोबिया चने भी इसको बोलते हैं, आलू चाट भी बोलते हैं, जो आप लोग इसको चाहो बोल सकते हैं। तो ये मज़ेदार से जो है ना चाट बिल्कुल हो गई रेडी। तो ये मैंने आज इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाला है, कहीं कहीं बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, कहीं कहीं ग्रीन ग्रीन पत्ते आएंगे, अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, उससे इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। ये भी हो गया, पानी भी टैंक भी रेडी हो गया, और बस हांडी रेडी है, हांडी पक रही है, प्रेशर चलने की आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, बस हांडी पक जाए तो फिर बस फ्राई करने वाला जो काम है वो करते हैं। तो ये भी होगी रेडी, शुक्र अलहमदिल्ला माशाल्लाह, चक से अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट वगैरह जो है वो अब खाएंगे तो पता चलेगा नमक मिर्च कैसी है, रोज देखो तो समझ नहीं आता नमक मिर्च का, सब कुछ अंदाज़ा सही जाता है, और शुक्र अलहमदिल्ला अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल सही सही है बाकी जी। और यहाँ पर जी हांडी भी लगभग रेडी हो चुकी है, मैंने हांडी में सब कुछ डाल दिया है, गरम मसाला धनिया हरी मिर्चें, और बस अब ये दम पे रखी है, आज बनाए हैं दाल कद्दू, तो ये जी बस इसको दम पे रखा है, अब ये हो जाए थोड़ा सा गल जाए और पानी ड्राई हो जाए, ये ऐसे बस बिल्कुल डिमांड पे इसको दम पे मैं बैंगन के पकौड़ों के लिए और हरी मिर्च के पकौड़ों के लिए जो है ना वो बेसन बनाने लगूँगी। ये कल वाला थोड़ा सा पड़ा था इसी के अंदर ही और डालूँगी, ये वेस्ट नहीं कर रही, तो बस इसी के अंदर ही ये और डालने लगी और फिर ये बनाने लगी हूँ। तो ये सब कुछ मैंने डाल लिया है, सारे के सारे बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी अलग नहीं डाला, जो कल डाला था वही बस आज डाला है, बिल्कुल मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा पानी डालती हूँ फिर इसको मिक्स करना है। और माशाल्लाह से यहाँ पर मेरी मम्मी के पास बैठी थी, दुआ मांग रही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए भी क्लिप ले लिया। और यहाँ पर जो मैंने इसमें नमक लगाया था उसको मैंने अच्छे से जो है ना मसल को वॉश कर लिया, और इससे इसकी कड़वाहट भी चली गई है मिर्चों की, और जो है ना कितनी सॉफ्ट भी हो गया, अब इनको बस बेसन लगा के फ्राई करना है। बैंगन भी धो लिए हैं, स्टेन हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, और आलू भी, और यहाँ पे मैंने इनका जो है वो मिक्सचर भी बना लिया, बस अब डिप करना है, हर इसको साथ साथ फ्राई करना है, हर एक तरफ रोटियाँ पका रही हूँ। और यहाँ पर जो सब आते आते जो है वो तरबूज लाए हैं, वो काट भी रहे हैं अफ्तारी के लिए, और फ्रूट में तरबूज है, और साथ में तरबूजा भी अभी दिखाती हूँ।
और ये जी बैंगन के पकौड़े रेडी हो चुके हैं, हरी मिर्च के भी रेडी कर रही हूँ, साथ साथ को भी दिखाती हूँ आप लोगों को, बस अब दस्तरखान लगाऊँ। तो ये जी रोज़ा खुलने वाला था तो दस्तरखान लग गया है, सारी चीज़ें दस्तरखान पे आ गई हैं, फ्रूट में ये है और ये सारा कुछ, बाकी फाइनल सब कुछ रख के दिखाती हूँ। तो ये थी मेरी मज़ेदार सी रेसिपी और उसके बाद जी मेरी सहरी और रफ्तारी का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो तो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।